अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खुशी और मसरत का दिन है कि हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है। हमारा हिंदुस्तान का हीरो, तेलंगाना का रियल हीरो, हैदराबाद का हीरा बारकस और चंदन गुट्टा बल्लागुड़े का रियल हीरो मोहम्मद शेख भाई, जो दुबई पुलिस में अपने 43 साल खिदमत के करते चले आ रहे हैं, आज उनको मैं हुकूमत दुबई को मुत्तहिदा इमारात के हिज आइनेस रईस दौला शेख खलीफा को, शेख मोहम्मद और तमाम दुबई पुलिस को सल्यूट पेश करता हूं कि हमारे इस रियल हीरो को जो आज तरक्की हुई है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये नौजवान रियल हीरो, ये बारकस और चंद्रायन गुट्टे का हीरो, ये हमारा दुलारा, हमारा प्यारा, हमारा ईमानदार, हमारा वफादार, हमारा दयानतदार, हमारा बेबाक, हमारा बहादुर सिपाही ने हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम की खिदमत दुबई पुलिस में रहकर वहां पर अंजाम दी। किसी को नहीं देखा, हर एक के मामले में गए, हर एक को सहूलत पहुंचाए, हर एक के लिए खिदमत करे, आज उसी का सिला है अल्लाह के फजल करम से। और आज तमाम की दुआओं से अल्लाह ताला ने उनको इतने बड़े एजाज से नवाजा है। आज वो दुबई की पुलिस में आला अहदे पे जो है हमारे दरमियान बैठे हैं। आज हम हैदराबाद के अवाम, तेलंगाना के अवाम, हिंदुस्तान के अवाम उनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको और तरक्की अता फरमाए। के सामने बताते हुए चलता हूं कि ये मोहम्मद भाई है जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस के आला अहदे पे जब काम करते थे तो तमाम लोगों को सहूलत पहुंचाते थे। हिंदुस्तानियों को तो आप पूछो मत, अगर वो लोग किसी वजह से कि अगर कहीं रहते भी है तो वहां जाके पूछते थे, मियां तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है, मैं हैदराबादी हूं, मैं हिंदुस्तान का हूं, तुम्हारा मसला हल करूंगा बाबा, बोलो आप। अपना पैसा लगा के उनको जो भी खिदमत हो सके करके करने वाली और आवाम को राहत पहुंचाने वाली शख्सियत का नाम मोहम्मद भाई है। आज हमारे दरमियान में बैठे हैं वो, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके अहलोयाल को सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपनी रहमत के साए में रखे, अपनी अमान में रखे। हम हैदराबाद के अवाम, बैरसोदी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वो सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और तमाम मजलिस के MLA अराकीन असम्बली और MLCs और जो है कारपोरेटर्स और डॉक्टर रंजीत रेड्डी जो चेवल्ला MP, अभी उन्होंने भी फ़ोन पर हमारे मोहम्मद भाई को मुबारकबाद दी है, इन तमाम ने मुबारकबाद दी है। मैं हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करता हूँ कि हमारा एक हिंदुस्तानी भाई, हमारा एक रियल हीरो हिंदुस्तान का आज दुबई की, हिंदुस्तान में तेलंगाना की नंबर वन पुलिस और हिंदुस्तान में दुनिया में नंबर वन पुलिस हमारी दुबई पुलिस में, हमारा हिंदुस्तान का रियल हीरो वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा है। आज दुबई से कई लोग हैदराबाद को आए खासकर इस महफिल में शिरकत करने के लिए, जिसमें हमारे सरवर भाई है, दादा भाई बल्लतगा है, अली भाई है और इंजीनियर उबैदुल्लाह खान है और आपके जो महात नेक तमन्नाएं भी जाए हैं, महमूद बालावाल साहब है, रियाज बासलामा है, अहमद बामसूद है, इंजीनियर उबैदुल्लाह खान है और हमारे बारकस का और एक नौजवान डॉक्टर उस्मान अहमद बाउस्मान जो अमेरिका में खिदमत अंजाम दे रहा है हुकूमत में, वो है कैनेडा से जो है ना MA Qayyum है, यानी तमाम ममालिक से उनको मुबारकबादी का सिलसिला चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अखबार में आज जितने मेहमान आए हैं उन तमाम का मोहम्मद भाई और उनके तमाम फर्जंदों की जानिब से, उनके ख़ानदान की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जितने दुबई से, हैदराबाद से, बारकस से, जितने हमारे यहाँ कमेटी के बारकस बैतुल माल वाले, बारकस यूथ वेलफेयर, बारकस वेलफेयर के फैसल बाम साहब, उनकी तमाम टीम, सालम वहलान, मोहम्मद वहलान, हमारे मोहसिन खुरैशी साहब, सरदार भाई वासित मोदी, कितनों के नाम लोग, इकबाल बिलाल साहब, इन तमाम का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए, अपनी हिफाजत में रखे, अपनी रहमत के साए में रखे, अपनी अमान में रखे। और तेलंगाना गवर्नमेंट तुमको सलूट, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट तुमको सलूट, देखो तुम्हारा हिंदुस्तान से तेलंगाना और हैदराबाद से नौजवान खिदमत अंजाम दे रहे, तुम कम अज़ कम इनको तहनीत पेश करो, इनको तहनीत पेश करो कि ये जो है इनको मोमेंटो दो, इनको सर्टिफिकेट दो कि हिंदुस्तान का ये नौजवान जाके
बाहर हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करा है। हमारे सरमियान में आज असद भाई भी आए हुए, ये भी असद भाजावर साहब आए हुए, ये भी पुलिस में थे दुबई के, दादा भाई भी पुलिस में थे, अली भाजावर साहब थे, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, सब जो है यहाँ पे थे, अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह इन सबको चाहे तो आपसे रखे, अपनी हिफाजत अपनी रहमत में साए रखे, साए में रखे। फिर एक बात, ये रियल हीरो को हुकूमत तेलंगाना सलूट। देखो मीडिया के जरिए मैं आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं कि हिंदुस्तान का शेर, हमारा तेलंगाना का शेर दुबई पुलिस में अपना नाम रोशन करा है। तेलंगाना गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको कम अज़ कम तहनियत हुकूमत की जानिब से की जाए। और बहुत बहुत आप तमाम का शुक्रिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हम तमाम भाइयों से रोड से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस महफिल में तकरीब में शिरकत करें, और दुबई गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो 40 साल से मैं खिदमत गुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ये वहदे पे पहुँचा हूँ। अल्लाह जजाए खैर दे पूरे मेहमानों का, और जो दुबई में देख रहे हैं पूरे मेरे भाइयों का, अल्लाह इमारात में और जो है सो बारकस के और बल्लागुड़े के चंद्रन गुट्टे के पूरे हैदराबाद के जितने भी हमारे साथी हैं, अल्लाह जजाए खैर दे जो शिरकत किए महफिल में। दुबई में आप स्टार्टिंग जो जॉब पे वो और जी जी आपका पोस्ट क्या है? मैं जो है सो दुबई पुलिस में जब गया था तो मेरी उम्र 14 साल की थी, अब जो है सो 43 इयर्स सर्विस में हुई है अभी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जिस तारीख से ट्रेनिंग से निकला हूँ 79 से, एक ही जगह एक ही पीएस एक ही कुर्सी पे बैठे हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और कई ऑफिसर आए तबादला हुआ, लेकिन आज भी वही मोहब्बत वो ऑफिसरों के दिल में है जो मेरे को चाहते हैं हमेशा। आप जो स्ट्रगल करें, आप जो तकलीफ उठाएं, अब आज की पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि भाई जो है सो अल्लाह जजा खैर दे, यही जो है सो सीखो, आगे कुछ बनो, हम भी कुछ बने इंशाल्लाह, हमारा देख के आप लोग भी सीखेंगे इंशाल्लाह, जवान तबका इंशाल्लाह, अल्लाह जजा खैर दे। मुकाम पर पहुँचो इंशाल्लाह।